आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इस आतंकी संगठन ने पाकिस्तान को युद्ध की धमकी देने के लिए बाकायदा सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना को जंग की खुली चुनौती दे दी। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर जो वीडियो जारी किया उसमें एक आतंकी हाथ में कागज का एक टुकड़ा पकड़े दिखा, जिस पर उर्दू और अंग्रेजी भाषा में हम आ रहे हैं लिखा नजर आया। दावा यह किया गया कि इस वीडियो को इस्लामाबाद के मरगला हिल्स इलाके में बनाया गया है। यही नहीं, टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना पर हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उसके आतंकी स्नाइपर राइफल से सुरक्षा बल के जवानों को ढेर करते दिखाई दिए। जबकि इसी वीडियो के एक दूसरे हिस्से में टीटीपी के आतंकी एक इलाके में धमाका करते नजर आए। मतलब ये कि इस आतंकी संगठन ने पाकिस्तान की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरी तैयारी कर ली है, जबकि कुछ रोज पहले ही पाकिस्तान की सरकार ने टीटीपी के खिलाफ सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी दी थी, ताकि पाकिस्तान में अपने पांव जमा चुके तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों को ढेर किया जा सके। क्योंकि यह आतंकी संगठन हर गुजरते दिन के साथ अपनी ताकत बढ़ाता जा रहा है और इसके झंडे पाकिस्तान के कुछ प्रांतों में दिखने भी लगे हैं। उत्तरी वजीरिस्तान में टीटीपी के आतंकी ऊंची जगह पर झंडे लगाकर पाकिस्तान की फौज को खुली चुनौती दे रहे हैं, जबकि कुछ रोज पहले ही टीटीपी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांत में अपनी सरकार तक बनाने का ऐलान कर चुका है। इसी वजह से पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार को ये डर सताने लगा है कि कहीं अफगानिस्तान की तरह पाकिस्तान पर भी तालिबान का कब्जा ना हो जाए, क्योंकि टीटीपी अफगानिस्तान के तालिबान का ही हिस्सा है और वो भी अफगानिस्तान की तरह पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करवाना चाहता है। और तो और, इस आतंकी संगठन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो तक को धमकी दे दी और चेतावनी दी कि अगर इन दोनों नेताओं की अगुवाई वाली पार्टियां सेना की गुलाम बनी नहीं तो इन पार्टियों के नेताओं के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मतलब ये कि टीटीपी पाकिस्तान की सेना से दो दो हाथ करने के लिए तैयार है और माना जा रहा है कि इस खूंखार आतंकी संगठन से निपटने में पाकिस्तान तबाह तक हो सकता है। जबकि पाकिस्तान को लगता था कि अफगानिस्तान में बैठे तालिबान की मदद से वो इसे काबू कर लेगा, लेकिन अमेरिका को खुश करने के चक्कर में उसने तालिबान को भी नाराज कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि टीटीपी को खदेड़ने के लिए पाकिस्तान अब जंग के दरवाजे पर पहुंच चुका है। उधर जैन समुदाय के तीर्थ स्थान श्री सम्मेद शिखर जी की पवित्रता बरकरार रखने के लिए केंद्र ने झारखंड सरकार को निर्देश दिए और कहा कि हर हाल में इस तीर्थ स्थल की पवित्रता बनाई रखी जाए। केंद्र ने श्री सम्मेद शिखर जी के आसपास तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर भी रोक लगाने को कहा। साथ ही ये भी साफ किया कि वहां मीट की बिक्री भी ना हो। असल में बीते कुछ दिनों से जैन समुदाय के लोग श्री सम्मेद शिखर जी को टूरिस्ट स्पॉट बनाए जाने का विरोध कर रहे हैं। इस बीच इसराइल और अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने एक साथ मिलिट्री ड्रिल करके ईरान को सीधी चेतावनी दे दी। एक रोज पहले ही इसराइल की मीडिया ने दावा किया था कि इसराइल अमेरिका के साथ मिलकर इसी हफ्ते एक सैन्य अभ्यास करेगा, लेकिन ईरान के खतरनाक तेवर देखकर दोनों देशों ने बिना वक्त गंवाए ये ड्रिल शुरू कर दी। इसराइल के मीडिया के मुताबिक इस सैन्य अभ्यास में दुनिया के बेहद घातक माने जाने वाले लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। अमेरिका ने अपने 6 F-15 फाइटर जेट एक रोज पहले ही इसराइल के नेवतिम एयरबेस पर तैनात किए थे, जबकि इसराइल के पास पहले से ही खरीदे गए अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान भी हैं। खबर के मुताबिक दोनों लड़ाकू विमानों ने एक साथ उड़ान भरकर ईरान को अपना दम दिखाया और इस बात का अभ्यास किया कि जरूरत पड़ने पर तेजी से ईरान में घुसकर वार किया जा सके।